लाए और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 इन हिस्ट्री, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपसे बार बार कहा है दैट हिस्ट्री इज नथिंग टू फियर, नथिंग समथिंग अबाउट टू फियर। ओके, दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको बस ये दिमाग में समझ लेना है कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कोई टेक नहीं पढ़ रहे, वी आर जस्ट रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो अब तक हमें नहीं पता है, जो अब तक हमने नहीं सुनी है। पर हाँ, स्टोरी में कुछ फैक्ट्स रहेंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं, हो सकता है ये कहीं ना कहीं आगे हमें कनेक्ट करें, आगे आने वाली क्लास में एक नई कहानी में हमें मदद करें। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट्स ऑल अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ फ्रांस। बिगिन होता है चैप्टर, ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, जिसका पीडीएफ आपको लिंक पे भी शेयर करूंगी मैं, सो यू नीड नॉट टू वरी एंड हैसल अबाउट राइटिंग डाउन ऑल दीज नोट्स, दीज यू विल गेट इन द लिंक प्रोवाइडेड इन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। शुरुआत होती है किंग से, जिसका नाम था लॉयस सिक्सटींथ है ये, और जब इनकी ताज पोशी होती है, जब इनको क्राउन मिलता है, दैट इज इन 1774, राइट। तो 1774 में ये एसेंट यानी कि थ्रोन ऑफ फ्रांस यानी कि ये बैठ जाते हैं, इनकी ताज पोशी हो जाती है एक फ्रांस के राजा की पोस्ट पे। फाइन, फिर क्या होता है, 20 के जब ये थे, व्हेन ही वाज दैट इज किंग लॉयस वाज 20 इयर्स ओल्ड, तब इनकी शादी हो गई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, दैट इज मेरी एंटोनी, ये आपको ध्यान में रखना है, शी वाज प्रिंसेस। ओके, तो लॉयस की शादी किससे हो जाती है, प्रिंसेस मैरी एंटोनी से हो जाती है। उसके बाद जब ये अपनी राजगद्दी पे फाइनली बैठते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं, तब इन्हें क्या पता चलता है कि इनका जो पूरा का पूरा ट्रेजर है, यानी कि जो राज खजाना है, वो क्या है, वो तो खाली है। ओके, अब ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो खाली है, अब वो खाली को कैसे भरा जाएगा, वो तो लॉयस का मसला था, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कहानी में कि एक राजा जो कि अभी अभी कहानी में आया है, राजगद्दी में बैठा है और उसकी शादी हुई है, और अचानक से उसको पता चलता है कि उसका ट्रेजर ही खाली है, इट्स ऑल एम्प्टी। नाउ वी विल स्टडी कि क्यों एम्प्टी हुआ, जब राजा अपनी राजगद्दी पे बैठा, जब उसकी ताजपोशी हुई, तो व्हाई ही फाउंड हिज ट्रेजर एम्प्टी। नंबर 1, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज, ये आप ध्यान में देंगे, ये पैलेस ऑफ वर्सलीज वो राजमहल है, स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, वो राजमहल है राजा का, जहां पर सारी छोटी से बड़ी चीजें एंटीक की रहती है। ओके, तो एंटीक की चीजें रहने की वजह से जो पैलेस का मेंटेनेंस था वो बहुत एक्सपेंसिव था, सोने चांदी से जड़ी हुई चीजें, हमने शायद शो यू इन माय एनसीईआरटी लेक्चर, स्टूडेंट्स हर एक लेक्चर के बाद एनसीईआरटी रीडिंग रहती है, हर एक लेक्चर के बाद नहीं तो एक चैप्टर के बाद तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पूरे चैप्टर की रीडिंग मिलेगी, उसमें आई शो यू कि जो पैलेस ऑफ वर्सलीज है वो कैसा दिखता था। तो बहुत खूबसूरत पैलेस था, और इतने खूबसूरत पैलेस को मेंटेन करने का बहुत खर्चा था, तो उस पैलेस के मेंटेनेंस में सारा खर्चा, सारा पैसा चला गया था। फाइन, नेक्स्ट जो रीजन है, दैट इज द फ्रांस हैज 13 अमेरिकन कॉलोनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि भाई फ्रांस हेल्प कर रहा था अमेरिका की, सही, फ्रांस हेल्प कर रहा था अमेरिका की, क्योंकि उसकी अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छेड़ रखा था, तो वहां पे उसकी मदद कर रहा था। अब क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आता है कि वॉर ऑफ जो मेंटेनेंस, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो क्यों छोड़ रखा था। एक बार लास्ट पॉइंट पहले देखेंगे, दैट इज द लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स ड्रेन रिसोर्सेज, दैट मीन्स एक बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से फ्रांस की खुद से लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस में जितने भी सारे रिसोर्सेस थे सब ड्रेन यानी कि खाली हो गए थे, ड्रेन हो गए थे। अब किससे चल रही थी, आखिर वो कौन दुश्मन था जो यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। देखो, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स में कनेक्शन है ना, व्हाट इज दैट कनेक्शन, ऐसे देख के चलिए, ये है फ्रांस, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ब्रिटेन और यहाँ पे है यूएस, दैट इज अमेरिका। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि फ्रांस की लड़ाई चल रही है बहुत लंबे समय से ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन का कब्जा है यूएस की कॉलोनीज पर, यानी कि इसकी इससे लड़ाई और इसकी इससे लड़ाई। अब आप
मैथमेटिक्स में आपने वो लॉ पढ़ा होगा, जब कोई चीज ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो आप क्या बोलते हो कि ऑटोमेटिकली दिस टर्म दैट ए इज इक्वल टू सी। तो वही केस है यहाँ पे कि ये बी फॉर ब्रिटेन है, यहाँ पे ए फॉर अमेरिका है, सी से फ्रांस समझ लीजिए अपने लिए, तो या फिर इसको हम फ्रांस ही कर देते हैं, इट विल हेल्प यू। ओके देखो, तो ऑटोमेटिकली फ्रांस और अमेरिका फ्रेंड्स हो गए। ये यहाँ पे फंडा था कि फ्रांस के सारे रिसोर्सेज, एक बहुत लंबे समय से उसका वॉर चल रहा था ब्रिटेन से, सारे रिसोर्सेज खाली हो चुके थे, प्लस ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनके बीच में वॉर चल रहा था, क्योंकि अब भाई इस दुश्मन को खत्म करना है। तो उसने फ्रांस क्या सोचा, अमेरिका की मदद कर दे, अगर ये खत्म हो जाएगा तो इनकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। दैट इज वाई इन्होंने अपने रिसोर्सेज भेज दिया अमेरिका। भेजे तो भेजे, यू विल कम टू एन इंटरेस्टिंग एंड एक बहुत मजेदार बात आपको समझ में आएगी कि मदद कर रहे थे, यूएस की अच्छी बात है, पर मदद कर रहे थे उधार लेके, रेंट पे मदद कर रहे थे, जितने भी लोन्स लिए थे इन्होंने अमेरिका की मदद करने के लिए, उसने इनकी हालत को और खराब कर दिया। कैसे खराब किया, इंटरेस्ट लिया इन्होंने 1 मिलियन लेवरीज का। ओके, नाउ व्हाट वाज लेवरीज, लेवरीज उस टाइम में एक यूनिट ऑफ करेंसी थी, ये आप सब ध्यान में रखेंगे जो टर्म बोल रही हूँ। लेवरीज क्या थी, लेवरीज वॉज यूनिट ऑफ करेंसी जो उस वक्त फ्रांस में चल रही थी, और ये चली है सिर्फ 1794 तक। 1794 के बाद की करेंसी बंद हो गई थी वहां पर चल। ओके, तो 1 मिलियन लेवरीज का लोन फ्रांस ने लिया अमेरिका की मदद करी, जो कि इवेंचुअली समय के साथ बढ़ गया, दूना हो गया। कितना हो गया, थर्ड रीजन वॉज इंटरेस्ट ऑफ 2+ मिलियन लेवरीज, वो बढ़ के 2+ मिलियन लेवरीज पर चला गया। उसके ऊपर ये भी समझ लीजिए कि जिन जिन से उन्होंने लोन मांगा था उन्होंने 10% का इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया उनके लोन्स पर, तो तीसरी हालत ने और खस्ता कर दिया। तीनों रीजन एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, अपने पैलेसेस की इन्होंने मेंटेनेंस पर खर्चा किया जो कि बहुत हैवी था, जो बहुत हाई मेंटेनेंस था। दूसरा, अमेरिका की 13 कॉलोनीज पर डिपेंडेंट किया। तीसरा, इनका खुद पे इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया था, दैट वाज 10% लोन जो कि इनको ले गया 2 मिलियन लिवरीज तक। ओके, देन आ चुके हैं लास्ट वाला पहले ही कि लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर ने इनके सारे रिसोर्सेज को क्या किया, स्टूडेंट्स ड्रेन कर दिया। फाइन, अब आते हैं हम अपने इस वाले, दैट इज रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ एस्टेट। ये एक बहुत जनरल मुद्दा है, इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, एंड दैट इज कि एक एस्टेट है, एक राजा को एक पूरा स्टेट चलाना है, पूरी कंट्री चलानी है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि आर्मी पर ट्रेनिंग है, उसके एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस हैं, स्कूलिंग है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो चलानी है, तो उन सारी चीजों पर भी खर्चा होना है। वो खर्चा कहाँ से करेगा राजा, वो खर्चा डेफिनेट है कि वो उस खजाने से ही होगा, वो ट्रेजरी से ही होगा जो कि कंट्री की और स्टेट की ट्रेजरी है, उसकी वजह से और ट्रेजरी खाली होती जा रही थी। अब ट्रेजरी खाली होने का, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिली है कि ट्रेजरी खाली कहां से हो रही थी एक कंट्री के लिए, क्योंकि वो दिए जा रहे थे, जनता को रिसोर्सेज दिए जा रहे थे, सैलरी दी जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी, सिक्योरिटी भी थी, मेडिकल सर्विसेज भी थी, पर भर कहां से रहा था, ये एक क्वेश्चन मार्क है। जब आप एक पानी की जो है पाइप खोलते हैं, ऑन करते हैं, उससे पानी लेने की कोशिश करते हैं, तो कहीं से आ रहा होता है, तभी तो पानी जाएगा ना। प्रॉब्लम इज कि आ नहीं रहा है, जादू है, पानी निकल रहा है, तो कब तक निकलेगा, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। नाउ ये हमारा, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक रहेगा, डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी को कितने पार्ट्स में बांटा गया था। तो ये मैं आपको एक छोटा सा लेकर बता देती हूँ ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। दैट इज की फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। डिटेल में मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें हम बात करेंगे। तो थर्ड जो स्टेट था केवल वही टैक्स देता था, और इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स, वो थर्ड स्टेट सबसे गरीब स्टेट था, उसके पास पैसा नहीं था, तो वो कितना टैक्स दे पाएगा, कैन यू इमेजिन। तो वो टैक्स बहुत कम दे पा रहा था, जिसकी वजह से मजबूर होकर फोर्सफुली राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ गया, टैक्स को देना पड़ गया। आप समझ रहे हैं, ओनली थर्ड स्टेट पे टैक्सेस, जिसकी वजह से मजबूर होकर राजा ने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी। वो हमारा अभी का कंसर्न नहीं है, वो कंसर्न है हमारे और बाकी के लेक्चर्स का,
सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. अभी आपको सिर्फ रीजंस ध्यान में रखने हैं. कोशिश मेरी हर लेक्चर में यही रहेगी कि आपको लेक्चर में उसी वक्त हाथों हाथ सारी चीजें याद हो जाए, दिमाग में आपके एक तरीके से बैठ जाए, ये समझ लीजिए. तो एक बार हम अपनी कहानी के पहले छोटा सा पहलू को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. आज आपने कहानी में सुना कि एक राजा राजगद्दी पर आया. जैसे वो राजगद्दी पर आया, राजा राजगद्दी पर आया, उसकी शादी हो गई 20 साल में मैरी एंटोनी से, जो कि कहाँ की रानी थी, ऑस्ट्रिया की रानी थी. फाइन. तो जैसे ही वो राजगद्दी पर आया, उसे पता चला अरे मेरा खजाना तो खाली है. अब खजाना क्यों खाली है, उसके लिए एक कहानी के थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे. तो जब हम कहानी के फ्लैशबैक में गए तो हमें पता चला कि बहुत लंबे समय से ब्रिटेन के साथ लड़ाई चल रही थी, जिसमें सारे रिसोर्सेस खाली थे. लड़ाई चल रही तो चल ही रही थी, पर उन्होंने अपने पैलेस के मेंटेनेंस पर, उसको एकदम टिप टॉप रखने पर सारा पैसा खर्च कर दिया था. साथ ही उधार ले लेके अमेरिका की मदद कर रहे थे. 13 कॉलोनीज जो अमेरिका की स्ट्रगल कर रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, वो भी ब्रिटेन के अगेंस्ट. तो उन्होंने दोस्त दुश्मन को हटाने के चक्कर में दोस्ती कर ली थी अमेरिका से, जिसमें कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बढ़ गया था उनके लोन पर, और अब वो चुकाना मुश्किल हो गया था. मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि टैक्स दे रही थी सिर्फ थर्ड स्टेट, पर सेवाएं ये स्टेट को दे रहे थे कहां कहां, किसके जोन में, आर्मी पे, सैलरीज पर, यूनिवर्सिटीज पर, एक्सेट्रा. तो यानी कि खर्चा ज्यादा हो रहा था पर आ कम रहा था. मजबूरी में राजा को अब बढ़ाना पड़ेगा टैक्स, जो कि इनविटेशन देगा कहानी के नए एंगल को. तो ये सब हम पढ़ेंगे पर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट इन दिस लेक्चर, फील फ्री टू कमेंट योर सजेशंस, योर सजेशंस, योर फीडबैक्स इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. माय ओनली एम इज टू मेक द सब्जेक्ट वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल. स्टे ट्यून्ड. जितने भी मेरे अपने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं 1-to-1 पर्सनली पढ़ाती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस, अपना नाम लिख के कमेंट सेक्शन में छोड़ कर जाएं. बाकी सारे लोगों के लिए भी कमेंट्स ओपन है. फील फ्री टू कमेंट एंड योर सजेशंस विल बी विद इमीडिएट इफेक्ट दे विल बी एक्टेड अपॉन. थैंक यू.